इन्होंने प्रसाद के नाम पर पड़े की बिरयानी में खिलाई है हिंदू धर्म के लोगों को, और यहाँ की महिलाओं को, बच्चों को भी खिला दिया। आप ताज्जुब की बात कर रहे हैं, अब बताइए इतनी बड़ी घटना इस हमारी विधानसभा क्षेत्र में हुई है। धर्म के नाम पर खिलवाड़ या फिर किसी की साजिश, प्रसाद में मुर्गे की टांग, चौकी नहीं। ये मामला उत्तर प्रदेश के महोबा जिले का है। आपको बता दें कि चरखारी विधानसभा क्षेत्र के सालट गांव की जंगल में बनी मजार पर उर्स का आयोजन किया गया था, जिसमें आसपास के 13 गांव के सभी धर्म के लोग शामिल हुए थे। इस दौरान प्रसाद के रूप में पूरी सब्जी के साथ मांसाहारी बिरयानी बांटी गई। दोनों समुदाय के आपसी सौहार्द को बिगाड़ने का उस समय प्रयास किया गया जब प्रसाद में मांस की बोटियां खिला दी गईं। प्रसाद में मुर्गे की टांग देखकर ग्रामीणों का पारा चढ़ गया। सब एक दूसरे को मारने पर उतारू हो गए। इस घटना से धार्मिक भावना जरूर आहत हुई, लेकिन दोनों समुदाय के बीच मामला बिगड़ता देख ये मामला पंचायत तक पहुंच गया, जहां पंचायत ने आपसी सुलहनामा भी करवाया। अगर दर्जा प्राप्त हुआ होगा तो वो फकीर होगा और लोग आसपास के लोग उन्हें जानते होंगे, तो इसकी मैं चाहता हूं इसकी जांच करके, अगर इस प्रकार की जितनी भी अवैध मजारे बनी हुई मेरी विधानसभा क्षेत्र में वो सब हटवाने का आप काम करें। बीजेपी विधायक ब्रजभूषण राजपूत को जब मामले की जानकारी हुई तो विवादित बयान देते हुए पुलिस प्रशासन को अवैध मजारों की जांच कराने की हिदायत दी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को लेते हुए 23 ज्ञात और अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया। इस पे लोगों ने पंचायत करी, पंचायत पर आपस में बैठ के सहमति हो गई, कोई दिक्कत नहीं थी। बाद में इसमें माननीय विधायक जी गए गांव में, तो राजकुमार हैं वादी, उनके एक प्रार्थना पत्र पर एक अभियोग पंजीकृत हुआ। गांव में पूर्णतया शांति है, कहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं है, कानून व्यवस्था बना हुआ है। प्रसाद में मांस का मिश्रण दर्शाता है लोगों के दिलों की भावना को। अवैध बने मजार या फिर कोशिश अच्छे वातावरण को खराब करने की। बहरहाल पुलिस ने तो मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। मामले की छानबीन के बाद जल्द पता चल जाएगा कि आखिर वजह क्या थी। महोबा से NTTV भारत के लिए विजय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NTTV भारत।